गोंडा के बीजेपी सांसद निशांक दुबे, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आईएएस ऑफिसर पूजा सिंगल और उनके सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी के बाद सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार तीखा कटाक्ष कर रही है। बीजेपी सांसद निशांत दुबे एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और नए खुलासे भी कर रहे हैं और विभिन्न तरह से नई नई जानकारियां दे रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा है कि ईडी ने अपने रिमांड में सुमन कुमार के बयान के अनुसार यह तो कह दिया कि कुछ पैसे पूजा सिंगल के हैं, बाकी पैसे राजा के तो नहीं हैं जो जिला खनन प्राधिकारियों में भेजे। प्रेम भैया लंदन भागने की फिराक में और चौबे भैया दिल्ली से मैनेज करना। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर सीधा कटाक्ष किया है। ये जानकारी सामने आई है कि सीएम के छोटे भाई बसंत सोरेन पर चुनाव आयोग से चुनाव में गलत जानकारी देने के कारण आरपी एक्ट 125 ए के तहत केस दर्ज कराने की इजाज़त दे दी है। यह एक अन्य ट्वीट में बीजेपी सांसद ने लिखा है कि आज की मुलाकात बस इतनी, झारखंड के चुनाव आयोग से एक विधायक पर केस करने की इजाज़त दी है। इंद्रप्रस्थ में नए राजा के नाम पर गैंग ऑफ वसेपुर पर थोड़ा इंतजार मचेगा।